हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते आदाब आदा सत्याल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आज है 11 अगस्त करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ऑडियो वीडियो एक बार मुझे बता देंगे सब कुछ बढ़िया ढंग से आ रही है सभी को कि नहीं तो 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा इंडिपेंडेंस डे सेल मतलब क्या मिलने वाला है इंडिपेंडेंस डे में स्टडी आई की तरफ से आप सभी को वो आपको बताने वाले हैं तो 11 से लेकर के 15 अगस्त तक स्टडी आईक्यू के स्टेट पीसीएस के हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें मिल रहा है भीषण डिस्काउंट जो मिलता था चौदह रुपए का वो मिलेगा ग्यारह रुपए का स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स यूपी बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान ये सभी स्टेट के जो हमारे बैचेज हैं ये आज से पंद्रह तारीख तक के लिए

ठीक है तो आपके लिए ये बैच मिल रहा है सिर्फ ग्यारह हजार नौ सौ निन्यानबे रुपए का पीसी लाइव कूपन कोड के साथ जाइए जल्दी से एनरोल करिए और अपने सिलेक्शन की जो सही दिशा में वाली जर्नी है उसको पकड़ लीजिए तो स्टडी आई क्यू के इस सेल का लाभ उठाइए फटाफट -पड़ तरीके से अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सबसे पहले स्टैटिक जीए वाले रिवीजन क्वेश्चन से जो कल की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट थे सबसे पहला हमने देखा कि हमारे यहां पर हाँ, स्टैटिक का हमारा जो रिवीजन क्वेश्चन है है प्रीवियस क्लास से वो ये है। हमारे यहां पर नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है कल हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी थी जायद तलवार तो नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है हमारे पहली फीमेल जो है ओलंपिक में मेडल लेकर के आने वाली इंडियन कौन थी पहला ऑस्कर इंडिया की तरफ से किसने जीता था तो फटाफट से जवाब यहां पर आप लोगों के आने चाहिए तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन नेवी डे है तो नेवी डे हमारे यहां पर सेलिब्रेट होता है चार दिसंबर को चार दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट होता है 1971 में हमारे पाकिस्तान की विक्ट्री को चिन्हित करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है चार दिसंबर को पहली हमारी जो फीमेल है जिन्होंने हमको ओलंपिक में मेडल दिलाया था वो थी कर्णम मल्हेश्वरी है ना कर्णम मल्हेश्वरी ये हमारे वेट लिफ्टर थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत की थी ब्रॉन्ज मेडल हमको दिलाया था सिडनी ओलंपिक में जो कि हमारे कब हुआ था सिडनी ओलंपिक 2000 में हमको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था कर्णम मल्हेश्वरी जी ने यह पहला फीमेल इंडिविजुअल मेडल था हमारे इंडिया के लिए पहला ऑस्कर इंडिया की तरफ से किसने जीता था तो पहला ऑस्कर जीता है भानु अथैया ने भानु अथैया ने सबसे पहला ऑस्कर जीता है ये हमारे ड्रेस डिजाइनर थे है ना ड्रेस डिजाइनर थी जिन्होंने हमारे गांधी फिल्म के लिए ड्रेस डिजाइन किया था और इनको 1983 में ऑस्कर मिला था तो वॉर एक्सरसाइज बताई एक्सरसाइज है ये इंडिया किसके साथ करता है तो याद रखिएगा किर्गिस्तान के साथ हमारे जो तो किर्गिस्तान है उसके साथ भारत खंजर एक्सरसाइज करता है तो क्रिगिस्तान उसका सही जवाब होगा ठीक है जल्दी जल्दी मेरे से जल्दी आपको जवाब आना चाहिए है ना कल सारी चीजें पढ़ाई थी फर्स्ट बुकर प्राइस हमारे कल मैंने आपको एक बुक पढ़ाई थी है ना नीरजा चौधरी जी की आपको बताना है कि पहला बुकर प्राइज किसको दिया गया भारतीय होने के नाते तो पहला भारत... बुकर प्राइज उन्नीस में हमारे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इंडिया की राइटर की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये हमारे जो पुरस्कार है पहला बुक प्राइज इंडिया का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को मिला था तो अरुंधति रॉय ये हमारे पहली बुकर प्राइज विजेता थी तो अरुंधति रॉय के ऊपर आपको टिक करना है 1997 में किताब का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसके बाद से पहले इंडियन जो हमारे अंतरिक्ष में गए थे भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो याद रखिएगा पहले भारतीय थे हमारे 1984 में भेजे गए भारतीय एयरफोर्स से राकेश शर्मा जी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होने का तमगा लगा था और महिलाओं में कल्पना चावला उन्नीस में पहली बार हमारे अंतरिक्ष में गई थी तो ये थे राकेश शर्मा जी तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टैटिक के लगातार अलग अलग क्लासेस में पूछते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर्स पर आपको लेके चलते कि भाई आज के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए शुरुआत की जाती है जल्दी से सभी लोग बोल देंगे सब लोग रेडी है तो एक बार जय हिंद लिख देंगे कि सर हम है तैयार और सीखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जय हिंद लिखना चाहिए सभी लोगों को दागे 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 दागे। भी। आज शुरू बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही है ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहां पर हर साल सेरों की मतलब लॉयंस की सुरक्षा को लेकर के हमारे लॉयंस डे का सेलिब्रेशन कब होता है दस अगस्त ग्यारह अगस्त बारह या तेरह सेलिब्रेशन है वो हर वर्ष कौन से दिन होगा तो दोस्तों अभी हाल में हमने टाइगर डे दे देखा था टाइगर डे हमारा 29 जुलाई को होता है हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है ठीक है ना टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है और लगभग हमारे 3900 तिरासी टाइगर्स लगभग समथिंग अगर मैं नियर अबाउट की देखेंगे तो 3900 टाइगर्स इंडिया में हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जो तो टाइगर्स है वो इंडिया के मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगे यहां पर टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है आप यहां पर देख पाएंगे 526 से सीधे 783 टाइगर हो चुके हैं ये टाइगर्स डे मतलब 29 जुलाई के दिन हमारे काउंटिंग की गई थी हमारा जो लायन डे है ये होता है हमारे याद रखिएगा 10 अगस्त को मतलब कल लॉय डे था याद रखिए हमारे देश में एशियाटिक लॉयंस इंडिया में कहां पर पाए जाते हैं तो उस नेशनल पार्क का नाम है आपका गिर नेशनल पार्क गिर जो है वो गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाया देगा ठीक है तो लॉयन डे हमारा सेलिब्रेट होता है कब तो याद रखिएगा हमारे 10 अगस्त को गिर नेशनल पार्क के लिए एशियाटिक लॉयस देखने को मिलेंगे जो गुजरात के जूनागढ़ में चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं रेलवे की, है, की जीआई टैग जरूर पूछे जा रहे हैं तो जीआई टैग यहां पर दिए गए हैं कल उनके ऊपर बात करते हैं यहां पर हमारे चिकरी है हमारे मुस्क बुद्धी चावल है इनको जी टैग दिया गया है ये कहां से संबंधित है लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जीआई टैग हम आपको कई बार बता चुके हमारे देश में एक एक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ये 1999 में आया और इसके तहत हमारे देश में जीआई टैग देना शुरू हुआ जीआई टैग की शुरुआत जो है वो 2003 से हुई और सबसे पहला जो जीआई टैग मिला वो थी दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में जीआई टैग दिया गया और उसके बाद से हमारे कोई भी जब जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है 10 साल के बाद उसको वापस से रिव्यू किया जाता है कि उसकी हमारे वैल्यू है वो कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है उसके आधार पर उसको स्थिर रखा जाता है ठीक है तो हाल में हमारे ये चिकरी बुड और हमारे मुस्क बुद्धि चावल जो है ये हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे जिनको जीआई टैग दिया गया है याद रखिए ये देखिए मुस्तगजी राइस है जिसको हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आप देख पाएंगे आ, हमारे कहां पर खुशबूदार बड़ा चावल होता है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में भी आपका दिखाई देता है और हमारा कौन सा ये देखिए ये हमारा रजौरी का सिकरी वुड क्राफ्ट है रजौरी का सिकरी वुड है और जो मुस्कुजी चावल है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है ठीक है देखिए कुछ इस तरीके से इस पे वुड हमारे जो है वो चीजें बनाई जाती है जम्मू कश्मीर में और इस्तेमाल की जाती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमारे सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जम्मू कश्मीर ने अभी मोबाइल दोस्त ऐप बनाया जो कि हमारे जो नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए उनकी इमरजेंसी में मदद के लिए बनाया गया है यहां पर कई सारी चीजें होंगी साथ हमारा जम्मू कश्मीर पहला ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी बना जिसने कैनबिस मेडिकल पॉलिसी की शुरुआत की है है ना साथ ही साथ लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे जम्मू कश्मीर में मिला है है ना हमारे रायसी डिस्ट्रिक्ट में रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जहां पर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है इसके बाद हमारे राजस्थान और कर्नाटक में भी लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है याद रखिएगा हमारा जो जम्मू कश्मीर है अभी इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए जो पहले एक राज्य हुआ करते थे ये भी हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक इंडेक्स से आ रहा है इंटरनेट के हमारे रिसाइलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है जो साउथ एशिया के कंट्रीज में की गई जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं इनके ऊपर हमारे इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स की जो है वो वो हमारे रैंकिंग दी गई इंडिया की रैंक क्या है चौथी पांचवी छठवीं या सातवीं <coughs> तो, तो तो सार्क कंट्रीज जैसे कि मैंने आप, आपको जानते हो इसमें आठ कंट्रीज का ग्रुप है और इसमें भारत जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के ग्रुप में सम्मिलित है है ना और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी इसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में दिखाई देगा अब यहां पर हमारे इसमें भारत भारत की रैंक क्या है तो 43 स्कोर के साथ छठे स्थान पर है भारत की जो रैंकिंग है छठे स्थान पर है इंटरनेट का इस्तेमाल आप लोग देखते हो लोग बहुत गलत तरीके से इंडिया में करते हैं विश्वसनीयता का तो कोई नाम ही नहीं है पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं किसी वीडियो पर कुछ टैग लगा करके है ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज और फेसबुक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं सच मानते हैं तो प्लीज उसके पीछे की पड़ताल करिए 95 परसेंट जो न्यूज होती है वो गलत होती है इसीलिए ये जो रैंक है भारत की इतनी पीछे दिख रही है हमारे छोटे छोटे कंट्रीज हमसे आगे हैं भूटान देखिए सबसे नंबर एक पर है फिर बांग्लादेश है मालदीव है श्रीलंका है नेपाल है हम पाकिस्तान से अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये छोटे छोटे कंट्रीज भी हमसे आगे है मतलब हमारी स्थिति जो है वो दयनीय है ये साउथ एशिया में की गई हमारे नेटवर्क रिसाइलेंस इंडेक्स में तो इंडिया की पोजीशन छठे नंबर पे इंडिया का स्कोर 43 है तो हाल में हमारी कई सारी रैंकिंग जो है उसमें भारत की रैंक आप लोगों को याद होनी चाहिए चलिए हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो भारत की रैंक जल्दी से आपको बता दें मुझे मालूम है सबको याद होगा हम मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो भी हाल में आया था उसमें भारत की रैंक क्या है आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है जल्दी से अभी जुलाई के महीने में तीनों सर्वे हुए थे देखिए कितने लोगों को आता है और कितने लोग कि इसका जवाब जानते हैं बहुत बढ़िया तो ज्यादातर लोग जो है वो जवाब दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है अस्सीवे नंबर पे सिंगापुर यहां पे नंबर एक पर है कौन सा सिंगापुर जो है वो नंबर एक पर आपको दिखाई देगा अगर हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत की रैंक है 126 और यहां पे हमारा जो नंबर एक का कंट्री है वो है आइसलैंड आइसलैंड यहां पर नंबर एक पर दिखाई देगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की जो रैंक है वो 127 है और वापस में यहां पर आइसलैंड नंबर एक पर आपको दिखाई देगा ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट इंडेक्स अब आपको इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स के ऊपर भी जो साउथ एशिया में किया गया है भारत की छठे नंबर की रैंकिंग दी गई है फोर्टी हमारे स्कोर के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है हाल में ही जारी डेटा के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसको 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था 2022-23 में सबसे ज्यादा अकाउंट कहां पर खोले गए बिहार यूपी कर्नाटक या तमिलनाडु तो जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं जरा वो बड़े ध्यान से देखेंगे बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो यहां पर जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर वन बिहार में हमारे सबसे ज्यादा जनधन योजना के तहत खाते खोले गए जिनकी संख्या अभी मैं आपको बताऊंगा तो बिहार यहां पे टॉप पे है है ना शीर्ष तीन राज्यों में बिहार के बाद यूपी और तमिलनाडु है जहां पर जनधन खाते खोले गए अगर हम यहां पे बात करेंगे 2022-23 के दौरान टोटल 6.23 करोड़ खाते खोले गए जिसमें से सबसे ज्यादा बिहार में लगभग एटी फोर एटी नाइन थाउजेंड एंड टू थर्टी वन जो अकाउंट्स है वो जनधन योजना के तहत बिहार में फिर 68 एट लैक्स जो है यूपी में और 64 तमिलनाडु में खोले खोदे हमारे जो है वो खोले गए अकाउंट्स याद रखिए हमारा जो जनधन योजना है ये 28 अगस्त को हमारे 2014 में शुरू किया गया था जिसकी जो शुरुआत है वो हमारे लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन घोषणा की गई थी लेकिन शुरुआत 28 अगस्त को ही थी याद रखिए ये हमारे वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ने के लिए शुरू किया गया एक मुहिम है जिसमें भारत के जो ऐसे लोग जो कि हमारे बैंक अकाउंट नहीं है उनके उनके बैंक अकाउंट खोलना और उनको कई सारी फैसिलिटीज देना वो इसका मुख्य लक्ष्य था अब इसमें फैसिलिटीज में क्या मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक लाख का एक्सीडेंटल कवर है जीरो बैलेंस रखने की स्वतंत्रता है मतलब आप यहां पे जीरो बैलेंस रख सकते हैं एक लाख का एक्सीडेंटल कवर है लाइफ इंश्योरेंस मतलब अगर किसी और तरीके से लाइफ जाती है तो तीस हजार का हमारे बेनिफिशरी को फायदा मिलेगा साथ ही साथ यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा है ना यहाँ पे ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई थी तो कई सारे बेनिफिट्स के साथ हाँ पांच हजार आप ओवर ड्राफ्ट ले सकते हैं जिसको आपको बाद में चुकाना भी चुकाना है तो कई सारी फैसिलिटीज के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारा शुरू किया गया एक ऐसा स्कीम है जो कि भारत के लोगों को कनेक्ट कर रहा था बैंक अकाउंट से या मेन स्ट्रीम ऑफ फाइनेंस से कब शुरू किया गया था 2014 में डेट याद रखिएगा 18 अगस्त को 2022-23 में कितने अकाउंट खोले गए 6.43 हमारे करोड़ अकाउंट खोले गए नंबर एक पर बिहार है कितने अकाउंट खोले तो लगभग हमारे 84 लाख अकाउंट हमारे बिहार में खोले गए पूरा डेटा याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा लेकिन फिर से सेल सेल सेल, सेल स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा यूपी बिहार असम मध्य प्रदेश राजस्थान के पीसीएस के हमारे बैचेस हो चुके हैं शुरू अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाइए अपने कूपन कोड पीसी लाइव के साथ आप इसको एनरोल कर सकते हैं जो चौदह में मिल रहा था अब वो ग्यारह में मिल रहा है तो ग्यारह से लेकर के पंद्रह अगस्त तक की सेल है आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी से जाइए अपने कई सारी खूबियों वाले इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स को जो आपको यहां पर मिल रहा है इनमें से किस राज्य ने अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बसेस सुविधाएं दी हैं महिलाओं को और उनके पंद्रह साल तक के छोटे बच्चों को यूपी केरल हरियाणा पंजाब तो पिछले साल भी रक्षाबंधन में यहां की महिलाओं को फ्री सर्विसेज दी गई थी और फिर दिया जा रहा है और यह है हमारा हरियाणा हरियाणा के मनोहर लाल ठक्कर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि रक्षाबंधन के दिन हम रक्षाबंधन के समय सारी महिलाओं को फ्री बस यात्रा सर्विसेज मिलेंगे सरकारी बसेस में और उनके साथ पंद्रह साल तक के जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ सफर कर पाएंगे ठीक है तो ये हमारे हरियाणा सही जवाब हो जाएगा ठीक है हरियाणा के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो ये पहला ऐसा राज्य बना जो विधुर पेंशन विधुर पेंशन देने के लिए जिसके है ना पत्नी नहीं होती उसको विधुर बोलते विदुर पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है आपको यह भी याद रखना है कि हरियाणा जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 1966 में की गई थी ये पंजाब से अलग होकर के नया राज्य बना था याद रखिएगा इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है बस ये हमारे कैपिटल का, का काम करता है हरियाणा और पंजाब की इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह है फरीदाबाद फरीदाबाद इज अमारे सबसे बड़ा शहर है दोस्तों तो हरियाणा और पंजाब भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर शेड्यूल की जो संख्या है है वो जीरो शेड्यूल ट्राइब्स यहां पर एक भी नहीं है यहां पे हमारे जो नेशनल पार्क है वो आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में देख पाएंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में देख पाएंगे अभी हाल में ही यहाँ पर छह करोड़ की हमारे लागत के साथ यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में जो कि यमुना नदी के ऊपर बन रहा है यह भी आपको याद रखना है तो हरियाणा के ऊपर बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है और अब यहां पर रक्षाबंधन में फ्री बस सर्विसेस चलने वाली है महिलाओं के लिए ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडन ने किस देश की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी मतलब हमारे जो पैसे हैं हम अगर चाइनीज सामान खरीद रहे हैं मोबाइल खरीद रहे हैं हम अपने इंडियंस की बात कर रहे हैं चाइनीज अगर कोई ट्वाय खरीद रहे हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है तो यही सेम पॉलिसी अमेरिका के साथ हो रही थी अमेरिका जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो चाइना उसको अपनी मिलिट्री को बढ़ाने में कर रहा है तो अमेरिका ने सारे अपने इन्वेस्टमेंट बैन कर दिए कि भैया अब हम चाइना में कोई भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे चाइना के ऊपर जो बेडन ने इन्वेस्टमेंट का जो बैन है वो लगा दिया है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज का याद रखिए सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो चाइना राइट आंसर ये हमारे बैन लगा दिया गया है इसके पहले चाइना ने अपने ताइवान की सीमा पर एक सैन्य अभ्यास किया था जो कि हमारे एक युद्ध को चेतावनी दे रहा है ताइवान और हमारे अमेरिका ने अपने रक्षा समझौते के ऊपर साइन किया है जो कि चाइना की जो पॉलिसीज है उसके इतर है ठीक है ये हमारे लिए हो जाती बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का एक शुभारंभ किया है वेब ब्राउजर स्वदेशी बनाने का जो हमारे आप लोग देखते हो ना ये गूगल क्रोम हो गया मोजिला फायर फ्रॉक्स हो गया ये सारे विदेशी हैं। तो ऐसे ही इंडिया वेब ब्राउजर डेवलप करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी है वो किस मिनिस्ट्री ने रखी है डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे स्किल डेवलपमेंट है कॉमर्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई मिनिस्ट्री है तो दोस्तों हमारे इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज जो शुरू किया है वो हमारे देश के अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा अश्वनी वैष्णव जो हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर भी हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं और हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर भी हैं ये सभी मिनिस्टर इनके पास में है जिन्होंने इस हमारे चैलेंज की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया है हमारे याद रखिएगा इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज किसने शुरू किया है दोस्तों याद रखिएगा हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री किसके पास है अश्विन वैष्णव जी के बाद यह मिनिस्ट्री है यह हमारे राज्यसभा से चुनकर राज्यसभा से ये चुनकर क्या आते हैं उड़ीसा से उड़ीसा के ये हमारे राज्यसभा के मेंबर है याद रखे हमने कल देखा था कि हमारे डिफेंस सर्विसेज ने कल के करंट अफेयर्स में हमारे जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको शुरू करने से मना कर दिया मतलब अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसकी जगह पर इंडियन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम रखा गया माया उसका इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने एक हमारे रैमसन वेयर के ऊपर हाँ, चिंता व्यक्त की है जिसका नाम है अकीरा अकीरा एक ऐसा रैमसन वेयर है जो आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर हमला करता है और उसको हैक करके आपसे रैमसन मनी मांगता है तो इसका नाम है अकीरा यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है हमारे यहां पर बैंक ने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5 को रखा है रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लगाता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है यह आपको टिक करना है केवल एक है दो है दोनों है या दो ना तो एक है ना तो दो है <coughs> चलिए तो so, सबसे पहले हमारे हमारे यहां पर महंगाई को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए दो तरीके की पॉलिसीज होती होती है, होती हैं एक एक है policy, India, है 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 पॉलिसी 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 और मॉनेटरी ठीक इज रेगुलेटेड बाय हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जिसमें वो टैक्सेस को हमारे कम कर देंगे जैसे आपने पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ रही थी तो हमारे टैक्सेस uh, को कम किया गया था या सब्सिडी प्रोवाइड करा देंगे ठीक है और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हमारे आरबीआई रेगुलेटर का, का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है दोस्तों ये बाई मंथली होती है मतलब इसको दो मंथ में हमारे रेगुलेट किया जाता है दो मंथ में इसको रिव्यू किया जाता है और अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन ये चेंज किया जाता है इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है किन के ऊपर हमारे कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कब लगाया जाता है जब ये कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं जब ये इनसे लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में यह रेपो रेट इंपोज होता है हमारे कॉमर्शियल बैंक के ऊपर जो हमारे 6.5 है और इस बार की जो बाई मंथली हर दो महीने में जो परिवर्तन रिव्यू होता है उसमें अनचेंज्ड है तो दोनों ऑप्शन आपके यहां पे सही है याद रखिएगा हमारे रेपो रेट लगातार अनचेंज है इस बार और दो महीने में हमारे जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ये रिव्यू होती है इसी इसीलिए बाई मंथली पॉलिसी भी बोलते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं याद रखिएगा शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जिनको इस बार हमारे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर पूरे वर्ल्ड के कौन बने दास जी जो इंडिया के हमारे आरबीआई के गवर्नर है साथ ही साथ हमारे आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं चार डिप्टी गवर्नर में हमारे जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है जून के महीने में उनका नाम है स्वामी जानकी रमन स्वामी जानकी रमन जानकी रमन ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी थे अब ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का काम करेंगे की जानकी रमन इनका नाम है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल में ही इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल के दिन हमारे किस यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज की शुरुआत की है सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज की शुरुआत करने वाली यूनिवर्सिटी है बी एच है जे है या पटना विश्वविद्यालय है तो वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए आपके जो पढ़ने का तरीका होता है पीसीएस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके ये सेशन बनाया जाता है तो आप इस सेशन को लगाइए अगर आप पीसीएस स्पेसिफिक एग्जाम की या एसएससी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो तो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे हमारे डी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर वर्ल्ड इंडिजीनियस डे ऑफ पीपल्स के दिन एक हमारे ट्राइबल स्टडी सेंटर की शुरुआत की है यहाँ पे सही जवाब है दिल्ली यूनिवर्सिटी डी यू कहाँ पर है बी नंबर पर दिखाई दे रहा है बहुत सारे परिवर्तन दूसरा इन्होंने एक और ये देखिए हटा दिया क्रॉस है मतलब इनका चैप्टर हटा दिया गया किस चैप्टर को एड किया है वीर सावरकर का जो चैप्टर है वो इन्होंने अपने अपने सिलेबस में एड किया तो वीर सावरकर का चैप्टर डीयू ने एड किया तीसरा हमारे यहां पर द हिंदू सेंटर ऑफ स्टडी द हिंदू सेंटर ऑफ स्टडी शुरू करने वाला जो यूनिवर्सिटी बना है वो भी हमारे हिंदू सेंटर ऑफ स्टडीज शुरू करने वाला जो हमारा यूनिवर्सिटी बना है वो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने और चौथा ट्राइबल हमारे सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज भी कहां पे ओपन हो रहा है डीयू में याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं डीयू की हमने काफी बात कर ली अगला क्वेश्चन आपके सामने इनमें से किस राज्य ने अपने यहां पर जो है वो नाम चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अर्ज किया है कि भैया हमारा नाम चेंज किया जाए केरला है त्रिपुरा है मणिपुर है या उत्तराखंड है दोस्तों आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था जब हमारा ये यूपी से अलग हुआ था 2000 में उत्तरांचल था फिर इसका नाम उत्तराखंड हुआ इसी तरीके से हमारे संसद के पास ये पावर होती है आर्टिकल नंबर थ्री में कि ये हमारे किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है इसके लिए एक बिल पास करना होता है ऑर्डिनरी बिल की तरीके जो 50 प्लस वन से अगर पास हो गया तो ये हमारे नाम चेंज हो जाएगा तो ये राज्य ने जिसने डिमांड की नाम नाम है केरला केरला ने अपना केरलम करने की डिमांड की भैया हमारा नाम केरलम किया जाए तो केरलम यहां पर आप देखेंगे डिमांड की है केरला गवर्नमेंट ने काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक बिल को पास करना पड़ेगा और बिल जो है अगर हमारे 50 परसेंट प्लस मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास हो गया तो केरल का नाम चेंज हो जाएगा दोस्तों इसके पहले केरल हमारा काफी ज्यादा चर्चा में रहा है अभी हमने देखा कि उमान चंडी जी जो केरला के हमारे पूर्व सीएम थे उनका निधन हो गया ये दो बार केरला के सीएम थे और ये कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर थे जिनका अभी हाल में निधन हुआ दूसरा केरला जो है इसको हमने देखा कि <coughs> हमारा जो फूड सिक्योरिटी सेफ्टी इंडेक्स है इसमें भारत ने पहला स्थान दिया है पहले नंबर पर केरला है तीसरा हमारे यहाँ पे शुभ यात्रा शुभ यात्रा जो फॉरेन माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हाल में ही एक सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की है राज्य का नाम है केरला हमारे यहाँ पर एजुकेशन इंडेक्स इंडेक्स में में जो नंबर का राज्य है एजुकेशन जिसको सबसे रैंकिंग दी है नीति आयोग ने अस्सी वो है केरला याद रखिए सारे क्वेश्चन का जवाब है केरला हमारे पूरे इंडिया में कोई स्टेट जिसने अपने स्टेट के लिए फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज शुरू किए इंटरनेट के लिए जिसका नाम रखा है केबल केरला हमारे फाइबर ऑप्टिक सर्विसेज और ये भी है हमारा केरला ठीक है इन सभी का जवाब है केरला तो उमान चंडी जी केरला के दो बार के सीएम इनका निधन हुआ कांग्रेस के लीडर फूड सेफ्टी इंडेक्स में हमारे केरला को नंबर एक स्थान दिया गया शुभ यात्रा हमारे कार्यक्रम की शुरुआत या स्कीम की शुरुआत केरला ने की है यहां पर एजुकेशन इंडेक्स में अस्सी स्थान है हमारा केरला ऑप्टिक फाइबर सिस्टम या नेटवर्क नेटवर्क लिखना चाहिए यह भी केरला ने शुरू किया है तीसरा यहाँ पे जो सीएम साहब है ये है पिनियारी विजयन यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद आरिफ मोहम्मद जो है वो यहां के गवर्नर है ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल में जारी की गई हमारे हाथियों की सेंसस हाथियों की आबादी में कौन सा हमारा स्टेट नंबर एक पर है कौन से स्टेट को नंबर एक का तमगा मिल रहा है केरला महाराष्ट्र कर्नाटक या मध्य प्रदेश तो सर का क्वेश्चन बहुत आसान है हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है क्या लगता है अपने दिल की बात बोल देंगे <coughs> तो दोस्तों हमारे यहां पर जो हाथियों की जो जनगणना है 2017 के बाद 2023 में हुई और यहां पर जो सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है वो है केरला में नहीं कर्नाटक में तो कर्नाटक के ऊपर आपको यहां पर टिक करना है तो कर्नाटक इस करेक्ट आंसर अब इसमें देखेंगे तो हमारे यहां पे 2017 में कर्नाटक में 6049 हाथी थे संख्या बढ़कर के 3000 है ना तीन हो गए मतलब तीन हाथियों की संख्या बढ़ गई है हमारे इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाए जा रहे, है। याद रहे हैं याद रखिएगा हमारे यहां इंडिया में अगर आप इस पूरे रिपोर्ट में देखेंगे तो इंडिया में टोटल सत्ताईस हजार तीन सौ बारह एलिफेंट है जिसमें कर्नाटका में छह हजार उनचास थे लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ करके हो गई कितनी हमारे तीन हजार कुछ इतनी संख्या बढ़कर की हो गई है है ना तीन हजार तीन सौ पंचानवे छह हजार तीन सौ पंचानवे जो है ठीक है थीके? तो ये हमारे कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है फिर असम और फिर केरला यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो एलिफेंट्स की संख्या है वो सबसे ज्यादा कर्नाटका में छह हजार तीन सौ पंचानवे जो कि पहले छह हजार उनचास थी अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी 1973 में और सबसे पहला हमारा टाइगर रिजर्व घोषित किया था जिनकारविट नेशनल पार्क को और अभी इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हैं 53 मतलब लास्ट वाला जो है वो हमारे रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है जो की उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व तिरपनवे नंबर का लास्ट है जो की कहां पर है जो कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से क्रोकोडाइल कंजर्वेशन उन्नीस में शुरू था हमारे गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हमारा कंजर्वेशन 1986 में राइनोसॉर्स का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2005 में शुरू किया गया था वल्चर प्रोजेक्ट 2006 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं 2013 में और प्रोजेक्ट चीता आप लोग जानते हो 2022 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है तो ये हमारे आ, हाथियों की संख्या में कर्नाटक नंबर एक का राज्य है कर्नाटक में अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा बिलियनर्स जो एमएलए हैं सबसे ज्यादा जो एम एल एस की आ, वेल्थ है वो कर्नाटका उनमें नंबर एक पे कर्नाटका में भी हाल में हुए चुनाव में सिद्धि रमैया यहाँ के सीएम बने हैं सिद्धि रमैया यहाँ के सीएम बने हैं और डीके शिव कुमार डी के शिव कुमार यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है थावर चंद्र गहलोत थावर चंद्र गहलोत यहां के हमारे गवर्नर है याद रखिएगा यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो टाइगर्स के मामले में हमारा जो कर्नाटक है ये दूसरे uh, दूसरे नंबर नंबर पे पे मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक का स्थान ये भी आपको याद रखना है कर्नाटक की कैपिटल बंगलौर है जहां पर हमारा पांचवा वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होने वाला है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हमारे कहां पर कर्नाटका में होने वाला है ये पांचवे नंबर का वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है हमारा इकतालीसवा है ना वर्ल्ड हेरिटेज शहर के तौर पर बेंगलोर को ही चुना गया है जो कर्नाटका की कैपिटल है ये ये जो वर्ड जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारा सिटीज है ये देने का काम लंदन बेस एक एजेंसी करती है जिसमें इकतालीसवें शहर के तौर पर हमारे कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर को चुना गया है चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है और अगला क्वेश्चन है ये हाल में सरकार ने हमारे स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए किस राज्य को चुना है दोस्तों अगर हम लोग यहां पे बात करें हमारे यहां पर जो सेटेलाइट लॉन्च होते थे कोटा, कहां लॉन्च हो रहे हैं हमारे आंध्र प्रदेश के कोटा में अब उसके ऊपर इतना लोड था कि उसकी डिपेंडेंसी को खत्म करना जरूरी था इसीलिए एक नया लॉन्च स्टेशन बनाया जा रहा है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए वो कहां पे कर्नाटक तमिलनाडु केरल या आंध्र प्रदेश <laughs> तो दोस्तों यहां पे नाम दिया हुआ है कुलशेखर पटीनम कुलशेखर पटीनम यह हमारा लॉन्च स्टेशन बन रहा है तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में ये लॉन्च स्टेशन बन रहा है इस हमारे स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तौर पर इसको जाना जाएगा जहां पे इसरो इस के हमारे जो रॉकेट्स है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे दोस्तों अगर इसरो की हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है हमारे देश में अभी सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना पंद्रह अगस्त नाइनटीन में की गई थी 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी हमारे इसकी स्थापना स्थापनाकर्ता में विक्रम साराभाई का नाम सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है और इनके नाम का पिछले साल सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस साइंस हैं इसका जो सबसे पहला सेंटर बना था जहां से ये अपनी कार्रवाई करते थे वो था थुम्बा जो कि केरल के कैप्टर तिरुनाथपुरम में था ठीक है तो ये थुम्बा इनका सबसे पहला हमारे रिसर्च सेंटर था लेकिन अभी इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है वो हमारे बेंगलोर में स्थित है याद रखिएगा बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है वो है एस पी सोमनाथ कौन है एसपी सोमनाथ जो है वो इसके चेयरमैन है ये भी आपको याद रखना है अभी हमने चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया है आप सभी लोगों ने देखा होगा और इसरो बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है अपने तो कर ही रहा है साथ ही साथ हमारे जो मित्र देश हैं उनके भी सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है अभी हाल में ही सिंगापुर के हमने कम्युनिकेशन सेटेलाइट को लॉन्च किया था कोटा से तो ये भी आपके लिए हो जाता है महत्वपूर्ण चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 में बनाई गई है जिसके तहत ये अलग अलग काम किए जा रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक मीटिंग है जिसका नाम है इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 मीडिया इंडिया मेडिटेक एक्सपो की शुरुआत हमारे जी कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर की बैठकों के साथ हो रही है सत्रह से उन्नीस अगस्त में कहा गुजरात महाराष्ट्र गोवा या कर्नाटक तो इसका हमारा नाम क्या है इंडिया मेटेक एक्सपो अब ये 17 से उन्नीस अगस्त के बीच में कहां पर हो रही है तो जी के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर है वो यहां पर मिल रहे हैं और वो है हमारे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में गुजरात गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और यहां पर ये सभी के सभी हेल्थ मिनिस्टर आकर के मिलेंगे मीटिंग करेंगे और यहां पर हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो डिस्कस की जाएगी खासतौर पर जो टेक्नी टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ में किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी तो ये गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है 17 से 19 अगस्त के बीच में होगा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो सारे यहां पर आकर के मिलेंगे हमारा किस तरीके से मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी को हमारे इंप्लीमेंट किया जाए इसके ऊपर शानदार तरीके से चर्चा होगी याद रखिएगा हमारे यहां पर जो जी ट्वेंटी कंट्रीज की बैठक है इस बार दो में इंडिया में हो रही है कई सारी बैठकों के दौर चल रहे हैं इंडिया के अलग अलग शहरों में ठीक है ना अभी जैसे कि हम लोग हाल में ही बात करेंगे तो हमारे वुमन एम्पावरमेंट की जो बैठक है वुमन एम्पावरमेंट की बैठक ये भी हमारे गांधीनगर में ही आयोजित की गई गांधीनगर में आयोजित की गई याद रखिएगा अभी हमारे एंटी करप्शन ग्रुप की जो तीसरी बैठक है तीसरी और अंतिम है एंटी करप्शन ग्रुप की जो बैठक है मतलब भ्रष्टाचार निरोधी जो बैठक है ये सिटी ऑफ जो है कोलकाता में हुई कहां पे सिटी ऑफ कोलकाता में ये बैठक हुई साथ ही साथ अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो जी की दो हजार की सभी बैठकें है वो कहां पर होने वाली है ये हमारे ब्राजील में होंगी ब्राजील में दो की बैठकें होंगी दोस्तों अगर हम लोग गांधीनगर की बात करें तो यहां पर एक और सबमिट होने वाली है जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया सेमिकॉन इंडिया यह सबमिट भी हमारे गांधीनगर में होने वाली है यह भी आपको याद रखना है तो वुमेन इंपावरमेंट की तो बैठक हो ही रही है साथ ही साथ यहां पर हमारे इंडिया मेड टेक एक्सपो होने वाला है साथ ही साथ यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया भी होने वाला है गांधीनगर में दोस्तों हम यहां पर, अगर हम लोग यहाँ पर मेडिकल की बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में हमारी एक और बैठक देख लेते हैं जो कि हमारे एशियन कंट्रीज के साथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारी जो मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के बैठक हुई है यह हुई है नई दिल्ली में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के जो पारंपरिक दवाएं हैं इनको लेकर के बैठक हुई है नई दिल्ली में ठीक है चलिए नहीं भ्रष्टाचार जो थर्ड एंटी करप्शन बैठक है यह कोलकाता में हुई अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से इंटरपोल ने अपनी ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में किसको सम्मिलित कर लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस यूनिट ज्वाइन द इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क इन वर्चुअली वर्चुअली मतलब आभासी तौर पर यह हुआ और कहा भैया इंडिया के इसको सम्मिलित कर लिया जाए आईबी है सीबीआई है एनआईए या ईडी है किसको सम्मिलित किया गया है ईडी का नाम बहुत चर्चा में आजकल रह रहा है <coughs> चलिए तो यहां पर जो तो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा है तो वो है हमारे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हमारे आईबी ने अपने ग्लोबल हमारे जो एकेडमी नेटवर्क है उसमें सम्मिलित कर लिया याद रखिएगा सीबीआई राइट आंसर सीबीआई की स्थापना उन्नीस में हुई थी कौन सी सथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था याद रखिएगा इसके हाल में ही नए हमारे डायरेक्टर बने हैं जिनका नाम है प्रवीण सूद जी प्रवीण सूद जी इसके नए डायरेक्टर बने अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरपोल की तो इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस के तौर पर जानी जाती है जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इंडिया इसका मेंबर 1949 में बना था ठीक है 1949 में इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था इसकी जो नब्बेवी बैठक है नाइनटीन नंबर की बैठक है वो दो में हुई थी और ये 2022 में नाइनटीन बैठक हमारे नई दिल्ली में इंडिया ने आयोजित कराई थी इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा भी गया और हमारे जो 91 होने वाली बैठक है इक्यावनवीं बैठक है ये ऑस्ट्रिया में होगी ऑस्ट्रिया इज अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना है वियना में इसकी बैठक होगी नाइनटी वाली तो सारे जितनी आपके बोर्ड पर बातें लिखी है सारे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में किसने ज्वाइन किया सीबीआई ने हमारे यहाँ पे जो सीबीआई का स्थापना 1963 में संथानम कमेटी रिकमेंडेशन पे हुआ इसके जो डायरेक्टर है प्रवीण सूजी है। अब हम लोग लियोन की बात कर रहे हैं मतलब इंटरपोल की बात कर रहे हैं है, ज्वाइन किया था इसकी जो नई दिल्ली में हुई बैठक थी नब्बेवीं बैठक थी और नाइनटी वन हमारे जो बैठक है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ऑस्ट्रिया की कैपिटल वी में होगी खत्म टाटा चलिए इंटरपोल के बारे में बहुत बात कर लिए तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए आई होप आपने एंजॉय किया होगा अब हम लोग करते हैं स्टैटिक के के आज क्वेश्चन जल्दी से आपको बताना है कि टाइगर डे हमने कौन सा दिन बताया था फटाफट सबका जवाब आना चाहिए जितने भी लोग हैं टाइगर डे डे हमने कौन से सेलिब्रेट होते हुए देखा है जल्दी से सबसे पहला जवाब आते ही आगे बढ़ जाएंगे टाइगर डे हमारा कौन से दिन सेलिब्रेट होता है <laughs> तो हमारे यहाँ पे टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है तीन हजार नौ सौ से ज्यादा टाइगर इंडिया में हो गए हैं सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है और ये होता है उनतीस जुलाई में जुलाई और हमारे टाइगर डे होता है वर्ल्ड टाइगर डे आप यहां पर देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तीन सौ तिरासी टाइगर्स की संख्या है कर्नाटक कर्नाटक तो के करीब पहला जीआई टैग फर्स्ट जीआई टैग इंडिया का कौन है

और यह हमारे 28 अगस्त को शुरू किया गया था 28 अगस्त दो मोदी गवर्नमेंट का जब पहला साल था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हरियाणा का स्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है हरियाणा को कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था <coughs> तो हरियाणा का जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है हमारा स्टैब्लिशमेंट ईयर है हमारा 1966 1966 में हमारे हरियाणा का एस्टेब्लिशमेंट डे है चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है चाइना जिसके ऊपर अभी अमेरिका ने अपनी जो रोक लगा दी है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर बैन लगा दिया है याद रखिएगा यहाँ पे जो सही जवाब है वो है टेबल टेनिस टी टीज आशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना मोनिट्री पॉलिसी को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है मोनिट्री पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन <coughs> चलिए तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ

तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आपको है कि चाइना के ऊपर हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए किस देश ने बैन लगा दिया चाइना के ऊपर किस देश ने इन्वेस्टमेंट के के ले, लेकर बैन लगा दिया चौथा क्वेश्चन है हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना जन धन योजना में कौन सा स्टेट तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट है अगला क्वेश्चन है इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स में हमारे यहां पर साउथ एशिया में कौन सा कंट्री हमारा पहले नंबर पे और उसको कितने स्कोर मिले हैं तो पांच क्वेश्चन के जवाब देने कि हमारा रेपो रेट कितना है कमेंट बॉक्स में देने हैं चैट बॉक्स में नहीं इंटरपोल ने किस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अपने ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में सम्मिलित किया है चाइना ने हमारे किस चाइना के ऊपर कौन से कंट्री ने बैन लगाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे ज्यादा अकाउंट खोलने में तीसरे नंबर पर कौन है और इंटरनेट रिसाइलेंस इंडेक्स में पहले नंबर का साउथ एशिया का देश कौन बना तो यह है आज के हमारे क्वेश्चन अंजलि साना जितने भी लोग हैं जो यहां पे जवाब दे रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए जवाब ठीक है चलिए तो इंडिपेंडेंस सेल फिर से एक बार बताऊंगा स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को एक फाउंडेशन लेवल से करने का प्री और मेन्स के सारे आपके जो आपके जितने भी मार्ग हैं वो सारे प्रशस्त किए जाएंगे आप जिस भी आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस में और कल होगा आपका पूरा वीकली रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से सुबह सात बजे तो डोंट मिस द क्लास एंड टिल देन हैव अ गुड डे बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय